छत्तीसगढ़ में आयोजित जौनपुर महोत्सव रंगारंग व विभिन्न प्रतियोगिताओं का समापन पुरस्कार वितरण के साथ हुआ, जिसमें पुलिस डीजीपी अशोक कुमार आदि कई लोग जौनपुर की लोक संस्कृति में जमकर थिरके तथा जौनपुर महोत्सव को राजकीय मेला घोषित किया गया। छत्तीसगढ़ धनौल्टी से मुकेश रावत की रिपोर्ट। आज की जो सांस्कृतिक लोक सभा कार्यक्रम हो रहा है जौनपुर महोत्सव, मैं सभी जौनपुर वासियों को इस कार्यक्रम में बधाई देता हूँ। और माननीय मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि रूप में मैं आया हूँ, तो मैं माननीय जौनपुर महोत्सव के अध्यक्ष जी से जो उनके घोषणा पत्र होगी मैं उसको पढ़ के जो भी उसमें उनकी मांगे होगी मैं उनको संज्ञान में लेते हुए और जो भी मेरे लायक होगा मैं उसे करूँगा। मेरे बीच जो भी मांगे आएंगी मैं उसके संज्ञान में लेते हुए जो भी मेरे से होगा मैं करूँगा। लोकतांत्रिक सांस्कृतिक ये पूरे प्रदेश के अंदर और इसका चर्चा है। आज माननीय पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार जी यहाँ पे आए और पहली बार पूरे प्रदेश के अंदर अशोक कुमार जी किसी कार्यक्रम में पर्सनली तौर पे आए और उनका सांस्कृतिक जो हमारे जौनपुर की वो हमेशा यादगार रहेगी और उन्होंने उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कहा माननीय वीरेंद्र राणा जी का और एक पूरी समिति के सदस्यों का जिन्होंने इतना शानदार इतना बढ़िया भव्य कार्यक्रम छोटे से कार्यक्रम में किया। धन्यवाद। आगे बहुत ही अच्छा लगा जो अपने क्षेत्र के किसी भी सांस्कृतिक कार्यक्रम में पहली बार आए। बहुत ही सुंदर महोत्सव आयोजित किया आपने, मैराथन से लेकर के सांस्कृतिक कार्यक्रम संगीत नृत्य सभी कुछ और एक जीवन संस्कृति जिसे जो लाइफ से भरी हुई है जीवन से भरी हुई है ऐसी संस्कृति। मतलब राष्ट्रीय संस्कृति का प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि यह संस्कृति हमेशा के लिए बनी रहे और अगली पीढ़ी तक यह संस्कृति चलती रहे। हम इसलिए झांकी निकालते हैं और झांकियों का एकदम हम परफेक्ट तरीके से उसको प्रस्तुत करते हैं कि लोग इसको देखकर जागरूक हों। सर, हम यह संदेश देना चाहते हैं अपनी ओर से तो कि जो हमारी अगली पीढ़ी है वो कृपया ध्यान रखे कि जो हम कर रहे हैं उस पर ध्यान दें और अपनी आगे की पीढ़ी के रहे ये सब तैयार रखें ताकि हमारी संस्कृति हमेशा बनी रहे।